नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया सामने। चुनाव आयोग ने पार्टियों के जश्न पर लगाई है रोक। मतगणना के पहले या बाद में किसी भी जश्न पर लगाई है रोक। 2 मई को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के आएंगे नतीजे। और इस बीच में यह बड़ी खबर सामने आई है जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। तमाम पार्टियां जो जश्न मना रही हैं इस चुनाव के बीच में, या फिर अगर हम बात करें जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद जो फैसले आएंगे उसके बाद अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी जश्न मनाती हुई दिखाई दी तो कार्रवाई होगी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग अब सख्त हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रतिबंध लगाया गया है, कहीं भी कोई भी चुनावी पार्टी जो है वो जश्न नहीं मनाएगी, चाहे वो नतीजों से पहले हो या फिर नतीजों के बाद हो। कोई भी राजनीतिक पार्टियां जश्न नहीं मनाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रतिबंध, ये रोक या आदेश जारी कर दिया गया है। मतगणना के पहले या बाद में किसी भी जश्न पर लगाई गई है रोक, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने पार्टियों के जश्न पर रोक लगा दी है। मतगणना के पहले या बाद में किसी भी जश्न पर रोक लगा दी गई है। कोरोना महामारी के बीच बचाव और इस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब सख्त हो चुका है। कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया सामने। चुनाव आयोग ने पार्टियों के जश्न पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि मतगणना से पहले या फिर मतगणना के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी जश्न नहीं मनाएगी, क्योंकि लगातार एक तरफ संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्यों के फैसले जो है वो 2 मई को सामने आएंगे।